तो चलो ठीक है, तो थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपने चैनल पे। सर सर नहीं, आपका है, आप मेहनत करेंगे। हमारे सर बहुत इंटेलिजेंट है। सर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए पहले। एक मिनट। सर व्हाट्स योर नेम? शिवांश। शिवांश, ओके। सर इन विच क्लास डू यू स्टडी? क्या? इन विच क्लास डू यू स्टडी? सेकंड बी। हमारे सर सेकंड बी में पढ़ते हैं। एंड द नेम ऑफ द स्कूल? सेंट थॉमस स्कूल। ठीक है सर, व्हाट्स यू गोना टीच? क्या? आप क्या पढ़ाने वाले हैं? मैं हिंदी। हिंदी पढ़ाओगे? हाँ। सर हम एक कविता सुनना चाहते हैं आपसे, हिंदी में। हिंदी में कोई भी हिंदी की अच्छी सी कविता? कविता। अच्छा ठीक है, मैं सर आपको एक अपनी वो देती हूँ डायरी, उसमें से सर हमें रीड करके बताएंगे हिंदी की कविता। सर को मैं अपनी डायरी दे रही हूँ, देखते हैं सर एक या दो लाइन पढ़ सकते हैं। तो पढ़ी उसने, भाग गया भाई, भाग गया मेरे चंगुल से निकल के। लेकिन मैं दूसरा बकरा पकड़ के लाऊंगी अभी थोड़ी देर में, वो स्कूल से आने वाली है, उसको पकड़कर अभी आपको कुछ सुनवाती हूँ। हमारा एक तोतला स्पीकर है और मैम को ये इतना पसंद आ गया है कि जब भी कोई प्रोग्राम होता है स्कूल में तो मैम एंकरिंग के लिए हमारी शिवानिया को चूज करती हैं। भाई ये कितनी बड़ी बात है। वानो बताना क्या क्या मैम ने आपसे बोला कि आपको एंकरिंग करनी है? मैम बोला कि आपको लूंगा। हाँ। और मेरे साथ एक और बच्चा है जयदेव, क्योंकि वो बड़ा पेज है ना, मैम ने बोला है आप किसी और बच्चे को ले लो। फिर मैम ने जयदेव को ले लिया और आज शिवांश ने छुट्टी करी। आज हाफ डे है, आज हम सबकी छुट्टी थी, लेकिन मुझे मैम ने एंट्री में लिया था इसलिए। मैम ने क्या बोला कि आप अच्छा बोलते हो? कुछ बोल के दिखाना जो स्पीच आपने प्रैक्टिस की है। अभी मुझे याद नहीं है, पूरा याद नहीं हुआ। अच्छा मैम ने पेज रेडी करके दिया था। हाँ। मैम ने और पेज रख लिया घर के लिए दिया है? नहीं मैं अभी दिखाता हूं। दिखाना रीड करके। भाई अगर तोते लोगों को भी मैम स्पीच के लिए दे देंगी तो बस क्या ही होगा। लेकिन ये एक हार्डवर्किंग लड़की है, हार्डवर्किंग गर्ल, और ये जो भी मैम देती है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करती है, इसलिए मैम इसको बार बार देती है एंकरिंग। बताओ बेटा, पढ़ के बताओ। A very pleasant morning to ma'am principal, respected teachers, respected and my dear friends. Let's kickstart this morning assembly with positive energy and a warm smile. I am Shivanya. फिर ये वो बोलेगा देवेश, क्या नाम है? जयदेव। जयदेव। अच्छा। और मैं बोलूंगा एंड वी द स्टूडेंट ऑफ क्लास सेकंड बी आर कंडक्टिंग टुडेज असेंबली। अरे वाह, लेट्स बिगिन आवर डे। यू स्पीक फ्लुएंटली वानू, यू स्पीक फ्लुएंटली। ये जो आपकी टंग ट्विस्ट होती है ना, टुडे हो जाता है, जो टुडे ही करना है इसको बस। ठीक है, आप थोड़ा सा आप सही प्रैक्टिस करोगे ना बोलने की, हो जाएगा। Let's begin our day by praying and by invoking Lord Almighty's blessing. Now let's take oath with Aradhya Tyagi. Thank you Aradhya, a good positive thought can change your whole day. I would like to call Stephen Samuel to present. कितने पेज का है शो में? कितने पेज का? Two pages. ये तो आप आराम से याद कर लोगे। ये जो बच्चे हैं, ये जो इनको बोलना है ना वो है ये सब। एक बच्चे बोलना है नेशनल न्यूज। गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडेज थॉट ऑफ द डे इज गुड मॉर्निंग। आपको यूनिफॉर्म में जाना है, कोई और ड्रेस अप लेना है? वो यूनिफॉर्म ये अभी बताया नहीं है मैम ने। और ये किस ईव पे हो रहा है, क्या किस दिन जाना है? ये है मंडे को। मंडे को परसों कहाँ था मैं? हाँ, थैंक यू स्टीफन, आर न्यू वर्ड एक्सपेंस आर वोकैबुलरी एंड एनहेंसेस आर एबिलिटी टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स मोर। कहाँ रहे हो? प्रिसाइज़ली एंड इफेक्टिवली। फिर आपको हिंदी में भी बोलना है, देखो हिंदी की लाइन भी है। ये जयदेव का है, वो हिंदी में बोलेगा। अच्छा। एक नया शब्द हमारी शब्दावली को विस्तारित करता है, बोलना इसको हिंदी में बोल सकते हैं आप?
तो बोलो एक नया शब्द हमारी शब्दावली को, शब्दावली नहीं शब्दावली, विस्तारित करता है और हमारी क्षमता को अधिक सटीक और सटीक नहीं बेटा सटीक सटीक और प्रभावी ढंग से, प्रभावी ढंग से क्या व्यक्त करने में, व्यक्त करने में सहायता करता है, सहायता करता है। मे आई कॉल आयान एंड ताशी टू शेयर द वर्ड ऑफ द डे। वेरी गुड, वानू तो बहुत अच्छा करेगी। कीप इट, कीप इट अप, कीप इट अप। मैं अभी आता हूँ। कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों की हिंदी थोड़ी कमजोर हो जाती है क्योंकि ये लोग इंग्लिश में ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इनकी बुआ इनको हिंदी भी सिखा कर रहेगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने बच्चों को दोनों लैंग्वेज सिखाएं, जितनी लैंग्वेज आप सिखाना चाहते हैं सिखाएं। बच्चों में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो एक साथ 5 या 6 लैंग्वेज आराम से सीख सकते हैं, क्योंकि उनका जो प्रेशर लेने का एज है वो अभी है नहीं, तो कोई वर्कलोड नहीं है, तो आप उनको कई सारी लैंग्वेज आराम से सिखा सकते हैं। मैं वान्या से अभी हिंदी की कविता पढ़वाऊंगी तो वान्या को की हिंदी अच्छी हो जाएगी, है ना वानू? ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।